दरभंगा जिला अधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन की अध्यक्षता में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर हुई बैठक। दरभंगा जिला के सभागार में बैठक में दरभंगा सिविल सर्जन डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट के साथ एसडीएम सदर दरभंगा उपस्थित थे। आपको बता दें कि घंटों चली इस बैठक में दरभंगा जिला अधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन ने सिविल सर्जन और डीएमसीएच के अधीक्षक को बढ़ते हुए कोरोना को लेकर उचित व्यवस्था करने का आदेश दिए और साथ ही साथ शहर और पूरे दरभंगा में माइकिंग के माध्यम से जागरूक करने के लिए भी कहा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि माइकिंग की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी और सभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क अनिवार्य होगा। दरभंगा जिलाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक दरभंगा में लगभग 200 कोरोना का पेशेंट है और लगातार कोरोना का केस बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। सभी को चाहिए कि मास्क और 2 गज दूरी का पालन अवश्य करें। उनके MOIC प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई है। तैयारियों के संदर्भ में समीक्षा की गई है। जो लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, इस पे काफ़ी फोकस दिया गया है। जो केस बढ़ रहे हैं, संक्रमण की जो दर बढ़ी है, इसको लेकर के और संक्रमण की स्थिति बनने पे हम लोग क्या तैयारी करें, कैसे लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, उनको जो होम आइसोलेशन किट है वो अवेलेबल हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, कंट्रोल रूम सभी जगह एक्टिवेट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम लोग सभी प्रखंडवार कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं, उसकी सूचना भी सभी आम लोगों को दे रहे हैं। नव निर्वाचित जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे वार्ड के सारे मेंबर हैं नगर क्षेत्रों में भी, उन सब लोगों का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और सब लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर प्रबंधन करें और कोविड की जो संक्रमण की दर है उसको कम करने में। सर, अभी दरभंगा में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस कितना है? जो कल तक के हमारे आंकड़े थे उसके हिसाब से 102 थे, उसमें अभी नए जुड़े हैं, अराउंड 200 का जो है आंकड़ा अभी तक हम लोगों का यहाँ आया है। बाजार में देखा जा रहा है काफी भीड़ है, लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं। जो बाजार में है उसको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि एक तो माइकिंग कराएंगे सभी जगह लोगों को जागरूक करने के लिए, दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि वो जो भी उनके यहाँ आते हैं वो सुनिश्चित करें कि लोग मास्क में हों और लोग एक्स्ट्रा कुछ डिस्पोजेबल मास्क भी रखें दुकान वाले अगर नहीं है, और इसके अतिरिक्त जो दंडात्मक है उसमें भी हम लोग फाइन वगैरह का भी निर्देश। कई दुकानदार जो नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, देर तक दुकानें खोलें, अगर निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो प्रावधान क्या लोग में उनके कड़ी कार्रवाई होगी। अंचलाधिकारी सबको क्या निर्देश दिया गया है प्रखंडों में? प्रखंडों में हम लोग माइकिंग कराते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए, मास्क के प्रयोग के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देश दिया गया है। अभियान चलाने के लिए चेकिंग में जो लोग निर्देश का तब भी पालन नहीं करें उनके फाइन वगैरह के लिए भी निर्देश दिया गया। RT-PCR जांच की जो व्यवस्था है उसका कैसे दायरा बढ़ाया जाएगा? अभी जो प्रेजेंट प्रोटोकॉल है उसमें हम लोग RAT जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है RT-PCR के साथ, वो भी इक्वली इफेक्टिव है। RT-PCR टेस्ट को हम लोग ज़्यादा रैंप अप कर रहे हैं और वो जल्दी रिजल्ट भी दे देता है और उसी को हम लोग फाइनल भी मानते हैं। उसमें अगर पॉजिटिव आ गया है तो उसको पॉजिटिव ही मान करके हम लोग उसी का होम आइसोलेशन और बाकी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहे हैं। अभी जो अर्बन क्षेत्र है जहाँ पे भी लोग ज़्यादा केस पॉजिटिविटी है वहाँ पे केस की जाँच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।